लगातार अपनी डेड बॉडी डुलाई किया। उसके बाद पांचवा दिन मैं रखी के तौर पर, मुझे शक था कि दुश्मन कहीं इस जगह में पोस्ट ना बनाए या स्क्रीन ना खोले। अगर उस जगह में स्क्रीन खोले तो हमारा ऊपर बैठने का या हमारा चलने का कोई फायदा नहीं था सर। मैं बादल बिल्कुल धुन छाई हुई थी पूरे एरिया में, मैं रखी के तौर पर उधर गया। उधर जाके आराम से मैंने चेक किया, कोई 58 लाशें पड़ी हुई थी जिनमें 7 जख्मी थे। किसी के कमर टूट गई थी, किसी का टांग टूट गया था। मुझे देखकर वो बोल्डरों से इस तरह बाहर निकल कर घिसड़ना, चल वो नहीं सकते थे, इस तरह घिसड़ते हुए नीचे रगड़ खाते। मैंने रफल उनको एम किया तो उन्होंने कहा भगवान के लिए हमें मत मार दो। मेरे साथ उस वक्त जवान थे लास नेक अमीन। जब उन्होंने आपको, उन्होंने अर्ज किया जी अल्लाह ताला की रजा के लिए मैं आप लोगों को छोड़ता हूं, अगर आप लोगों की जान बच सकती है, आप नीचे अपना कैंप में पहुंच सकते हैं तो आराम से जाएं, घबराने की कोई जरूरत नहीं, आराम से जाएं और नीचे जाके अपने जवानों से कहें कि ताजा दम इस एरिया में भेज दे, क्योंकि यहां पे फेरोज खान बैठा हुआ है। ताजा दम जवान। Thank you.